पीछे वाले पोर्शन से जो गाड़ियां वगैरह निकलती जा रही हैं और ऊपर वाले पोर्शन पे जो सारी गाड़ियां उसके निकलने के लिए पुल कनेक्ट हो रहा है। एक तरह से निकली जा रही हैं और बाकी सारी रेडी हैं अंदर जाने के लिए। इसमें अक्सर दो तीन फ्लोर्स होते हैं गाड़ियों के लिए, तो आई थिंक नीचे वाले फ्लोर से ये अभी आते जा रहे हैं तो ऊपर वाले फ्लोर से भी आना शुरू हो गई हैं गाड़ियाँ। तो लाइन बाय लाइन गाड़ियाँ और ट्रक्स वगैरह निकलते हैं, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यूरोप में किसी भी ट्रक के आगे अगर ये ऑरेंज सा लगा होता है ना, तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ें हैं, इनफ्लेमेबल थिंग्स हो ऐसे कुछ भी। जब सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी तो ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर वेट कर रही हैं, फिर उनकी बारी आएगी और वो जहाज में चले जाएंगे। सारी गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हैं ये कार लिफ्ट से ऊपर जाती हैं। पहले ये सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर नीचे पार्क की जाती हैं, बाद में कार लिफ्ट से ऊपर उठा दी जाती हैं। सो लिफ्ट से आप 7th फ्लोर पर आ जाते हैं और 7th फ्लोर पर काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं और यहाँ पर रिसेप्शन भी है इफ़ यू नीड सम इंफॉर्मेशन। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है एंड दिस जर्नी इज 3 hours 45 minutes फ्रॉम लार्विक नॉर्वे टू हिर्टशल्स इन डेनमार्क।
क्रूज पे ऑलमोस्ट 1929 गाड़ियां आ सकती हैं और पता नहीं कितने सौ ट्रेलर्स. इट्स क्वाइट अ बिग वन.